A small block of mass 100 gram moves with uniform speed in a horizontal circular groove with vertical walls of radius 25 centimeter. If the block takes 2 seconds to complete one round, find the normal contact force by the side walls of the groove. अब यहाँ पे देखिए, ये एक ब्लॉक है, ये इस ग्रूव में सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि सर्कुलर मोशन करने के लिए कंडीशन तो आपको पता ही है ना, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है हमारी सर्कुलर मोशन करने के लिए, कि सेंट्रिपिटल फोर्स जरूरी लगता है, बिना सेंट्रिपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। तो सेंट्रिपिटल फोर्स यहाँ कौन प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रिपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द नॉर्मल रिएक्शन। अगर मैं इसी को साइड से देख रहा हूँ इस ब्लॉक को, तो वो डायग्राम मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। तो ये दोनों कॉन्टैक्ट में, ये वॉल है, ये ब्लॉक है, तो इधर इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगेगी और यही नॉर्मल रिएक्शन जो है इसको सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है ताकि ये गोल घूम सके, सर्कुलर मोशन कर सके, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू सेंट्रिपिटल फोर्स। अब मास है मेरे पास लेकिन वेलोसिटी नहीं है, रेडियस भी है मेरे पास। वेलोसिटी निकाल लेता हूँ मैं, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2πr/2। ओके, तो ये मेरे पास वेलोसिटी आ गई, यहाँ सारी वैल्यूज पुट कर देंगे और फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 0.25 न्यूटन्स। थैंक यू।